हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब दोस्तों मैं राजस्थान बोर्ड की आरबीसी बोर्ड की क्लास 11 की मैथ्स लेती चैप्टर 3 हमारा शुरू हो चुका है, त्रिकोणमितीय फलन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। पीछे की वीडियो आपने नहीं देखे तो ऊपर आई के निशान पर क्लिक करके आप जरूर देख ले, और आप वीडियो जो देखें वो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो डिग्री माप को रेडियन माप में हमें बदलना है। तो हमें पता है कि 180 डिग्री के बराबर में क्या होता है, नंबर फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 25 डिग्री को, तो 180 डिग्री के बराबर हमें पता है पाई रेडियन होता है, क्लियर है। तो एक डिग्री के बराबर में यहाँ पाई बट्टे 180 रेडियन हो जाएगा, और हमें निकालनी है वैल्यू 25 डिग्री की। तो 25 डिग्री के बराबर कितने रेडियन हो जाएंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो पाई बट्टे 180 इंटू 25। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करें या डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 25 पाई बट्टे 180, और यहाँ पर 5 से इसको काटें तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 5π/36, क्लियर है। सेकंड नंबर की बात करें इसमें 47 माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले तो हम माइनस का 47 डिग्री में 30 मिनट जो है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइनस का 47 डिग्री अलग रह जाएगा, और फिर माइनस 30 मिनट को हम चेंज करेंगे इसमें, तो 30/60 का दे देंगे भाग, माइनस लगाओ तो ये दोनों पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आधा, हो जाएगा आधा डिग्री। आधा डिग्री होने का मतलब ये है कि माइनस का 47 सही 1/2 डिग्री, यानी कि 95/2 माइनस का डिग्री में, क्लियर है। अब हम इसको चेंज कर देते हैं रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 180 डिग्री के बराबर में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री के बराबर में पाई बट्टे 180 हो जाएगा, और हमें वैल्यू निकालनी है माइनस का 95 डिग्री/2 की। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बट्टे 180 इंटू 95 माइनस का होगा ये अपॉन 2, यहाँ से 5 से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 19, यहाँ आ जाएगा 36। ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 19π/72, तो ये रेडियन में वैल्यू होगी, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, क्लियर है। थर्ड नंबर देखते हैं अब। तो देखिए थर्ड नंबर में वैल्यू क्या कितनी है, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को हम चेंज करते हैं, तो यहीं पर हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर में बात करें तो 520 डिग्री है हमें दिया हुआ है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 180 डिग्री के बराबर में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री के बराबर में पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 520 डिग्री की, दोनों तरफ 520 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पाई बटे 180 इंटू 520। यहाँ जिससे कट रहा है वो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा तो 26 आएगा, ये कटेगा तो 9 आएगा। तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 26π/9 रेडियन। रेडियन में वैल्यू है तो ऊपर सी लगेगा, और नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये वैल्यू रेडियन में रहेगी, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेडियन माप के संग डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ वो है 11/16 रेडियन, इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो हमें बताया कि पाई रेडियन के बराबर में 180 डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन के बराबर में वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 180/π डिग्री, क्लियर है। और हमें 11/16 की वैल्यू चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11/16 से, तो 11/16 रेडियन के बराबर में कितने डिग्री हो जाएंगे, 180/π की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, 7 आ जाएगा ऊपर और इंटू में 11/16। तो यहाँ से 11 से कटा 22 तो आ गया 2, और यहाँ से हम 180 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 90, और 16 और 90 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 45। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू लगभग आएगी 315/8। तो यहाँ इसमें भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। अब सेकेंड और मिनट को, डिग्री को सेकेंड मिनट में चेंज करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप निकाल लेना, ये वैल्यू आएगी, क्लियर है। उसके बाद में हम सेकेंड नंबर की बात करें इसमें -4 रेडियन की। तो -4 रेडियन है, तो हमें एक रेडियन की वैल्यू हमें पता है 180/π डिग्री के बराबर है, तो माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/π की वैल्यू 22/7 हमें रखनी है, इंटू में 4 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 रेडियन के बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम काटेंगे इसको तो 2 से काटा 22 को तो 11 बचे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 0 8 7 56 5 7 5 12
और इंटू में 2/11, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 252/0/11। 126 × 252 होंगे, तो यहाँ पर लगभग जो वैल्यू आएगी माइनस में वो कितनी आएगी, वो आएगी माइनस का 229 °5'29" हम निकाल लेना, ये वैल्यू आने वाली है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में हमें रेडियन वैल्यू दिया 5π/3, ये तो बड़ी आसानी से हम निकालेंगे, पाई यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू, थर्ड नंबर की बात करें इसमें 5π/3 हमें दिया है रेडियन में, तो 1 रेडियन के बराबर में 180 °π हमारे पास में वैल्यू है, तो 5π/3 के बराबर में कितनी हो जाएगी 180 × π का पाई रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5π/3 से, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 60 आएगा, तो ये हो जाएगा 300 °। तो 5π/3 रेडियन के बराबर में 300 °हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 सेकंड में हमें पूछा है और रेडियन में माप पूछी है कोण की, तो हमें पता है कि एक चक्कर में जो परिधि होती है उसकी 2πr होती है, तो 2π का रेडियन में कोण बनाती है, यानी कि एक चक्कर में बनाया गया कोण कितना होगा, एक चक्कर में कोण हो जाएगा यहाँ पर 2π। क्लियर है, तो 360 चक्कर में कितने हो जाएंगे, 360 चक्कर में कोण हो जाएगा हमारा 2π × 360। अब ये 1 मिनट में बन रहा है, तो 1 मिनट में कोण कितना बन रहा है 360 चक्करों का, 1 मिनट में कोण बन रहा है 2π × 360। हमें 1 सेकंड में पूछा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में बन रहा है यही 2π × 360, माफ कीजिए डिग्री नहीं होगा यहाँ पर। और 1 सेकंड की बात करें तो ये 60 सेकंड है, 1 सेकंड की बात करें तो 60 का दे देंगे भाग, तो 1 सेकंड में कौन कितना बनेगा 2π × 360/60, तो ये कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 6 × 6 = 12 है, पाई वैल्यू आ जाएगी हमारी आंसर में। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 cm है की 22 cm लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। डिग्री में हमें माप का कोण पूछा है, तो पाई हमारे पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 हमें रखनी है, तो हमें पता है कि कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, रेडियन में होती है यहाँ पर, तो चाप यहाँ पर दिया हुआ 22 cm और त्रिज्या में दी हुई है 100 cm, तो कोण कितने का कितना हो जाएगा 11/50 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आ रहा है रेडियन में, ध्यान रखें ये जो वैल्यू है ये रेडियन में आ रही है, और हमें पता है कि एक रेडियन के बराबर में कितनी वैल्यू होती है 180 π/2 होती है। क्लियर है, तो हमें 11/50 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 π × 11/50, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये डिग्री में वैल्यू आ रही है हमारी, तो 180/22 और इंटू में ऊपर हो जाएगा 7 × 11/50। क्लियर है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 11 × 2 हो जाएंगे 22, यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 9, ये लगभग आएगी 9 × 7 = 63 हो जाएंगे, तो 63/5 और 12 × 5 = 60 होते ही है, तो ये हो जाएगी 12 °3/5, मिनट में चेंज करेंगे 3/5 को, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितनी वैल्यू आएगी 12 °36, क्योंकि 12 × 5 = 60 होते हैं, तो 12 × 3 = 36 हो गए, 12 °36 का कोण बनेगा 100 cm त्रिज्या वाले वृत्त का। क्लियर है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 cm की एक जीवा 20 cm लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये वृत्त बनाते हैं। आप देखिए ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र अगर हम ओ मान लें, तो अगर व्यास अगर 40 cm, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 cm हो जाएगी, तो ये भी 20 होगी, और जीवा जो हमें दी गई है वो पहले से 20 cm है। ये जो त्रिभुज हमारा बनता है, जीवा अगर ए बी है, तो ये जो त्रिभुज हमारा बनता है ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसकी बराबर है। इसका जो कोण बनेगा वो प्रत्येक कितने डिग्री का बनेगा, 60 °, क्लियर है, 60 °, तीनों कोण जो होंगे वो 60 °  के होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा कि व्यास जो दिया है वो कितना है, 40 cm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 20 cm। क्लियर है। उसके बाद में वृत्त के अंदर जीवा व त्रिज्या द्वारा समबाहु त्रिभुज बनेगा,
समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका मतलब प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखें तो पाई बाई 3 होता है। अब हमें चाहिए चाप, तो चाप बराबर क्या होगा, चाप बराबर हमें पता है कोण गुणा त्रिज्या होगा, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो कोण गुणा त्रिज्या हो जाएगा। और कोण हमारा बन रहा है पाई बाई 3, पाई बाई 3 इंटू में त्रिज्या हमारी कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, चापों की लंबाई जो है वो समान है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री कोण बनाते हो, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याओं का अनुपात हमें पूछा है यहाँ पर, तो हमें बताया कि चाप 1 बराबर चाप 2 हमें दिया हुआ है, कि चाप 1 बराबर चाप 2 ये हमें दिया हुआ है, और चाप बराबर क्या होता है, कोण इंटू में त्रिज्या, तो कोण 1 इंटू में त्रिज्या 1 इक्वल्स टू कोण 2 इंटू में त्रिज्या 2, क्लियर है। तो त्रिज्या 1 को R1 मान लें, त्रिज्या 2 को R2 मान लें, तो कोण तो हमारे पास में दिए हुए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू, अब इसके डिग्री में दिया है तो आप चाहें तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं या अनुपात निकाल लें तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 होगा यहाँ पर, क्लियर है। और इसको मान लें हम R1 इक्वल्स टू 75 डिग्री इंटू में पाई बटे 180 और इंटू में हो जाएगा R2, तो R1 अपन R2 हम निकालेंगे तो एक पाई बटे 180 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 होते हैं, 15.75 होते हैं, क्लियर है। तो R1 बटे R2 हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा R1 रेशियो R2 तो वो कितना होगा, 5/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो यहाँ पर दो चाप की लंबाई दी हुई है, अगर हम दोलक बनाएं इस तरह से, ये जो दोलक है और ये जो एंगल बनाता है इस तरह से घूमता है, इधर जाता है और इधर जाता है, तो ये जो एंगल बनाता है यहाँ पर, ये एंगल हमें पूछा है यहाँ पर, और किस में पूछा है, रेडियन में पूछा है। तो पहली कंडीशन में 10 सेंटीमीटर की का चाप काट रहा है, दूसरी कंडीशन में ये जो दोलक है ये 21 सेंटीमीटर का चाप काट रहा है, क्लियर है। जितना बड़ा चाप उतना ही बड़ा कोण बनेगा, 21 सेंटीमीटर का चाप काट रहा है, तो इसकी खुद की जो लंबाई है वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर है, क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं इसमें, तो हमें पता है कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, क्लियर है। यहाँ पर चाप जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, और त्रिज्या हमारी जो है वो 75 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि जो दोलक की लंबाई होगी वो यहाँ पर क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये वृत्त बनेगा पूरा घूमेगा तो यही त्रिज्या होगी इसकी। यहाँ पर इसको काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, रेडियन में वैल्यू आती है ये ध्यान रखें यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे तो 2/15 आएगा रेडियन में। उसके बाद में सेकंड नंबर में देखें, इसमें सेकंड नंबर में 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर हमें, जो चाप बन रहा है तो यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा चाप बटे त्रिज्या कोण बराबर, तो चाप यहाँ पर है हमारा 21 और त्रिज्या हमारी है 75, ये हम यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/21 और 3 से यहाँ पर काटा तो 25, 7/25 रेडियन, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न वाला 3.1 कंप्लीट हो जाती है। पीछे की वीडियोज आपने नहीं देखे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप आई के निशान के ऊपर क्लिक करके जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ से आप देख लेना चैप्टर 1 और चैप्टर 2। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्लासमेट के साथ में चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगता है आपको, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले भाई कौन कौन वीडियो देख रहा है मेरा, क्लियर है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।